हेलो, हम लोग गैसेस स्टेट के टॉपिक को डील कर रहे थे। उसके आगे का सीरीज़ है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी डेंसिटी जैसा ही है, पर वेपर डेंसिटी में क्या होता है, जिसी भी गैस का निकालेंगे वेपर डेंसिटी, उसमें उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द H2 गैस अंडर सेम कंडीशन। डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज़ डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, मतलब कोई भी गैस हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ H2 गैस। मतलब किसी भी गैस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी सेम कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, दोनों का जब रेशो लेंगे उसको बोलेंगे वेपर डेंसिटी। डेंसिटी गैस है तो PV इक्वल टू NRT से निकाल सकते हैं। PV इक्वल टू NRT, N है नंबर ऑफ मोल, मोल को लिख दिया है हमने वेट बाय मास, मास या मॉलिक्यूलर वेट है ये। V को इधर ले आए तो वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ पे है प्रेशर, के एक फॉर्मूला आ गया, एक इक्वेशन आ गई, P इक्वल टू DRT बाय M। M को यहाँ ले आते हैं तो डेंसिटी हो जाएगा PM बाय RT। P प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोल ऑफ द गैस, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर, ऐसा यूनिट में लेना है टेम्परेचर कैलविन में, वेट ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, डी फॉर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस का विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो डेंसिटी को लिख लिया हमने ऊपर जो लिखा था इक्वेशन उस टर्म में, सेम कंडीशन है तो RT RT कैंसिल, प्रेशर भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी मॉलिकुलर वेट बाई टू। किसी भी गैस का क्या होगा, मॉलिकुलर वेट बाई टू। क्वेश्चन देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ SO3, SO3 का वेपर डेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मॉलिकुलर वेट उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। SO3 का होता है 80 बाय 2, ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी 40। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, बट कोई बड़ा सा क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हमें निकालना है मॉलिकुलर वेट तो वहाँ पे वेपर डेंसिटी दे रखा होगा, उससे रिलेट करके कर सकते हैं हम लोग। उसी में एक और टॉपिक ले लेते हैं, सब टॉपिक एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर। एक गैस है, एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारी गैस है, बहुत सारे मिक्सचर हैं गैस के, तो उसका मोलर मास क्या होगा एवरेज। सबका अलग अलग तो पता है बट मिक्स करेंगे तो एवरेज कितना आएगा। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ ए मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितना मास आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। N1, N2, N3 मतलब मोल है, N1 का मॉलिकुलर मास है M1, N2 का है M2, N3 का है M3। तो क्या करेंगे एवरेज मोलर मास निकालने के लिए, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, अगर बहुत सारे हैं तो ऐसे सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मीन मोलर मास निकालना है एवरेज मिक्सचर का, उसके अंदर क्या है 7 ग्राम N2, 22 ग्राम CO2, 5.6 लीटर CO। ये लीटर है बट कहाँ पे, STP पे, तो STP पे दे रखा है तो उससे में क्या आ जाएगा डायरेक्टली मोल। एक मोल का होता है 22.4, यहाँ पे 5.6 है तो यहाँ से मोल निकाल लेंगे। वेट है वेट से मोल, वेट बाय मोलर मास, तो N2 का आ गया मोल, CO2 का, CO के लिए हमें 22.4 लेना है क्योंकि STP था। टोटल मोल को ऐड कर लेंगे तो टोटल मोल हो जाएगा हमारा 1। मोलर मिक्सचर में क्या था, ऊपर सारा वेट लिखना था डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इन सारे डेटा का यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। थैंक यू।